वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल मैथ इज बैक। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ ऐसे वीडियो बनाएंगे बच्चों, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर देखा, स्क्वायर रूट भी देखा। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है तो उसकी कुछ खासियत है। वो खासियत क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विथ सम सर्टेन डिजिट्स, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर वैसा नंबर हो सकता है जो किसी सर्टेन डिजिट ही उसके लास्ट में हो सकता है। वो सर्टेन डिजिट्स कौन कौन सा है, यहां लोग देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, अर्थात कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसके वंस प्लेस डिजिट पर या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। तो कहिएगा बच्चों की सर इससे जानकारी से क्या फायदा, इस जानकारी से फायदा है, इस जानकारी से क्या फायदा है कि वी कैन फाइंड आउट ए स्क्वायर नंबर बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन, बाय जस्ट वॉचिंग, है कि नहीं। किसी भी नंबर को बस हम लोग देख के ये पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या अभी नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके लास्ट में ये सारे डिजिट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन कम से कम एक आइडिया तो हमें हो जाता है ना कि जैसे अगर मैं लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 363, अब इसके यूनिट प्लेस पे तो 3 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है कि नहीं। तो हमें कम से कम एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। यूरोप के क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है कि भाई जस्ट ऑब्जर्वेशन से करके बताओ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जिस नंबर के लास्ट में 0 है ना बच्चों, तो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा जब 0 पेयर में हो, पेयर हो इन द सेंस क्या कि 0 दो बार आना चाहिए, लास्ट में दो बार आना चाहिए, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर नंबर्स यानी नॉन स्क्वायर नंबर्स ये कौन सा टॉपिक है, हमने देखा स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम कंसेक्यूटिवली अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर 4 होता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 1 का जो स्क्वायर है वो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, अब 1 से लेके 4 तक के बीच में, ठीक है, 1 से 4 तक के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द 2 परफेक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स, अंडरस्टैंड। तो ये कोई सी बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक अगर हम यहां पर लिखते हैं कि 7 स्क्वायर है और 8 स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर तो 49 हो गया, 8 स्क्वायर तो 64 हो गया, तो 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 49 एंड 64, है कि नहीं। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 7 को, यहां 7 को हम लोग m मान लेते हैं और 8 को हम लोग m+1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2m, यानी जो छोटा जो नंबर है ना उसको बस डबल करना है, यानी कि 7 7 into 2 means 14। तो 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स lies between the 49 and 64। वैसे जैसे 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स lies between 100 and 121, तो कुछ नहीं बच्चों, ये जो 10 है इस 10 का डबल कर देना है, 10 multiplied by 2 equals to 20। तो 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lie between 100 and 21, नो प्रॉब्लम। ये समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि विच ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, विच ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है, दिया हो। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, तो ये पाइथागोरियन है कि नहीं, ये ट्रिपलेट जो है, ये ट्रिपलेट यानी कि 3, ये जो नंबर्स जो है ये पाइथागोरियन है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे,
तो इसको एक फॉर्मूला के बेसिस से हम लोग निकालते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है 2m n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते हैं, कैसे हमें पता चलेगा? इसमें जो सबसे जो छोटा, इसमें जो सबसे जो छोटा जो इवन नंबर है उसको हम मान लेंगे कि लेट 2m इक्वल्स टू 6, 2m इक्वल्स टू 6, तो m बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, m इज हियर इन द मल्टीप्लिकेशन, अगर उस पर भेजते हैं तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो 6 बाय 2 इक्वल्स टू 3 हो गया ना। ठीक है, उसके बाद तो m इक्वल्स टू 3 हो गया, अब इसको इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 3 9 - 1, 3 3 9 - 1 इक्वल्स टू कितना हुआ 8, फिर यहां लाइए इसको, 3 3 9 + 1 कितना हो गया 10, इधर नंबर मिल गया, तो 6 8 and 10 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज्यादा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो लंबा कर 10 से 15 मिनट का वीडियो करेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी नंबर का निकाला जाता है उसका स्क्वायर रूट, तो कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 4096 का इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका बस निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4096। तो 4096, और बच्चों ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकालेंगे ना, तो इसको रफ एक्सप्रेशन मत निकालिएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके आंसर का पार्ट है और आपको अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और जैसा कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से जानते हैं कि इसके लास्ट में 6 है तो दिस इज डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 0, 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से लगाते हैं 1 0 2 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से लगेगा 128, फिर 2 से लगेगा तो 64, फिर 2 से लगेगा तो 32, फिर 2 से लगेगा तो 16, फिर 2 से लगेगा तो 8, फिर 2 से लगेगा तो 4, फिर 2 से लगा दिए तो 2, फिर 2 से लगा दिए तो 1 हो गया। तो यानी कि बच्चों यहां पर देखिए 2 कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 टाइम्स 2 आया है। तो इसको लिख देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4096 इक्वल्स टू 2 into 2 कितना हो गया, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और ये रहा छठा पेयर, 2 into 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट बच्चों बस कुछ नहीं करना है, हमें बस इसका पेयर बनाना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और ये छठा पेयर। ठीक है, छठा पेयर हुआ, तो स्क्वायर रूट हमें पता है कि इच पेयर से हमें एक डिजिट निकाल लेना है, एक नंबर निकाल लेना है, तो पहला पेयर से 2, दूसरा पेयर से 2, तीसरा से 2, चौथा से 2, पांचवा से 2 और छठा से 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें एक्सपोनेंट्स रेडिकल्स के बारे में दिया होगा, तो उसमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 to the power 6, है कि नहीं। खैर इसे यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 to the 4 8 16 16 to the 32 32 to the 64, तो 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है बच्चों, इसके बाद की कुछ और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हम यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, एक और हम वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।